हेलो बच्चों, वेलकम टू एटॉमिक क्लासेस। तो लास्ट क्लास में आपको तीन सवाल दिए गए थे, उन तीनों सवालों को आपको ट्राई करना था। तो मुझे लगता है आपने ट्राई किया होगा। अब जो है उनको सॉल्व करने वाले हैं, आप अपने आंसर उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आप जो है इन सवालों के आंसर मिलाइए और देखिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। अब देखो, पहला सवाल आपको याद होगा कि हमने ये लिखा था, राइट, कि आपको पानी के बारे में ये सारी चीजें जो है बतानी थी। अब आपको यहाँ पानी का डेंसिटी भी दिया, कितना होता है 1 ग्राम पर ml। तो बच्चों, डेंसिटी होता क्या है? तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। ये चीज जो है आपको पता होगी, पीछे ही बताई गई थी। अब जैसे यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल का जो है वॉल्यूम निकालना है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे 1 मोल अगर H2O होगा, तो 1 मोल H2O के बारे में आप क्या लिख सकते हो बेटे? तो 1 मोल H2O का मतलब कि कितना ग्राम होगा इसका? 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम ऑफ H2O। वही जो है अगर इसमें पूछा जाए कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, क्योंकि 1 मोल में इतना ही एंटिटीज होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए। अब डेंसिटी अगर किसी का 1 ग्राम पर ml है, तो उसके रिलेटिवली आपको पता चल जा रहा है कि जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि डेंसिटी कितनी है, 1 आ रहा है रेशियो। तो मास और वॉल्यूम का रेशियो कितना आ रहा है? 1। तो 18 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? 18 ml हो जाएगा, राइट। तो यहां से आपको पता चला कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो गया? 18 ml। हाँ, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जब वॉल्यूम की बात हो रही होगी तो 22.4 वाली चीज की तरफ जो है डेविएट हो सकते हैं। तो बेटे, ये जो है लिक्विड है, ये आपका गैस नहीं है जिस पर 22.4 लगा, ये क्या है? लिक्विड है, इसलिए इस चीज का यहाँ पे ध्यान देना। तो अब आपको पता चल गया कि 18 ml 18 ग्राम के इक्विवेलेंट हो गया वॉल्यूम के टर्म्स में, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो 18 ml जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो गया? 6.022 × 10^23 का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स जो हो गए बेटे, इनका वॉल्यूम जो है कितना हो गया? तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैव 18 ml वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर इनका 18 ml वॉल्यूम है इतने मॉलिक्यूल्स का, तो एलिमेंट्री अप्रोच के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होने वाला है, ठीक है? तो इतने का 18 है, तो एक का कितना होगा? डिवाइड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल जो है कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल जो है आपका निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है बराबर हो जाएगा किसके? 18 / 6.022 × 10^23, जो कि आएगा आपका किसमें? ml में। इसको अगर आप 6 मान लोगे, तो राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितनी लिख सकते हो? 3 × 10^-23 ml। तो इतना जो है आपका अप्रोक्सीमेटेड वॉल्यूम आएगा किसका? 1 मॉलिक्यूल का पानी के। अब जो दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ जो है सेम चीज है कि आपको पता है कि 18 ग्राम का जो है मतलब होता है 1 मोल। तो 1.8 ग्राम का क्या मतलब होगा? तो कितने मोल्स होंगे वाटर के, पहले तो आपको ये निकालना है। तो 1.8 / 18 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये कितना आ गया? 0.1 मोल। अब देखिए, 1 मोल में कितना इसका मॉलिक्यूल होगा? इतना। तो इतने में कितना होगा? तो मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना हो गया? तो मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकालेंगे, तो ये आपका हो गया 0.1 × 6.022 × 10^23, ओके? तो इतना जो है इसका मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए कि पानी का 1 मॉलिक्यूल जो है उसमें कितना न्यूट्रॉन होगा? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन हाउ मच न्यूट्रॉन्स, ये आपको निकालना है। तो न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन ही होता, न्यूट्रॉन तो होता नहीं। ऑक्सीजन में यहाँ आपको जनरली लेना है 8 16 वाले को, तो यहाँ इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे? तो इसके पास हो जाएंगे 8, इसके पास है 0। तो अल्टीमेटली जो है 1 मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन सिर्फ किसकी वजह से होंगे? ऑक्सीजन की वजह से। तो 1 मॉलिक्यूल में कितना आ जाएगा बेटे? 8 न्यूट्रॉन्स। तो 8 न्यूट्रॉन्स इसमें होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल में 8 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई। तो आपका सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है अगर आप निकालोगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू 0.1 × 6.022 × 10^23 × 8। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ओके? तो
तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल एक बहुत ही यूनिक टाइप का सवाल था, पर आपने ट्राई किया होगा तो आपको मजा भी आया होगा। तो इस देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ में नंबर ऑफ एटम वर्सेस वेट का रेशियो दिया गया है। तो नंबर ऑफ एटम वर्सेस वेट का जब आप रेशियो लेगो तो वो किसके बराबर आएगा? स्लोप के। ये आपने मैथ में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जब जो है आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेते हैं, टेन थीटा के बराबर वो होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स को अगर आप डिवाइड करोगे बच्चों किससे? वेट से, जो कि यहाँ पे वेट इस पे दिखाया है एक्स एक्सिस पे, और नंबर ऑफ एटम को किस पे दिखाया है? वाई एक्सिस पे। तो इनका जो रेशियो है वो आपको दिया है कितना है? 1.5 × 10^22, क्योंकि ये 10 इनवर्स करके दिया है। तो आप बोल सकते हैं कि 10 थीटा जो कि आपका स्लोप होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी? तो उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.5 × 10^22। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपको दो तरीके से लिखना है, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप एंटिटीज से निकालते हैं, तो नंबर ऑफ गिवन एंटिटीज जो आपको दिया होगा, तो यहाँ पे एटम की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ गिवन एटम, ठीक है, जो आपको सैंपल में दिए गए हैं, डिवाइडेड बाई एन ए, तो इट रिफ्लेक्ट द मोल। अब बच्चों मास से अगर आपको मोल निकालना है, तो उसका गिवन वेट ग्राम में डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, राइट? तो यही फॉर्मूले हैं, दोनों ही किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? मोल को। तो दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देखो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं बच्चों। इंटरचेंज करके जो हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ गिवन एटम, इसको हम जो है इस वाले टर्म को नीचे ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका वेट, राइट? और ये आपका बराबर हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई मोलर मास, राइट? अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने अप्रोप्रिएट कंडीशन बना दी है। तो ये रेशियो आपको कितना दिया है? कितना ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लिखोगे कि 1.5 × 10^22 जो है बराबर हो जाएगा किसके? एन ए डिवाइडेड बाई मोलर मास के। तो आपका मोलर मास बच्चों कितना हो जाएगा? तो मोलर मास यहां से निकालोगे तो मोलर मास हो जाएगा एन ए डिवाइड बाई 1.5। तो एन ए की वैल्यू रख दो 6.022 × 10^23 और डिवाइड बाई 1.5 × 10^22, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटेड जो है कितना आंसर आएगा? 60, राइट? सॉरी 40, क्योंकि 15 × 60 हो जाएगा बेटे। तो ये जो है आपका आंसर कितना आएगा? इसका 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हमने सिंपली फॉर्मूले से ही इसको रिलेट किया, और देखिए बहुत ही यूनिक टाइप का सवाल है, ठीक है, जो कि ग्राफ से चीजों को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है? तो आंसर समझ में आया कैसे निकालना है इसको? तो हमने दोनों मोल के रिलेशन लिखे और उसी से जो है इसको जोड़ के हमने कोरिलेट किया। अब तीसरा सवाल आसान सवाल है, लेकिन इसमें जो है इस तरीके के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब जैसे देखो, 88 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब क्या होगा? तो 88 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बच्चों कितने हो जाएंगे? तो गिवन मास इसका 88 ग्राम दे रखा है, तो डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास तो कितना हो जाएगा? 44। कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितने मोल हो गए इसके? 2 मोल, राइट? तो यहां से आपको पता चल गया कि ए के लिए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड। अब इसके बाद इतने अगर मोलिक्यूल्स होंगे तो कितना मोल होगा बच्चों? तो ये रिफ्लेक्ट करेगा किसको? 1 मोल को। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड, बी का। इसके बाद सी की बात करते हैं, तो सी के लिए जैसे 5.6 लीटर दे रखा है, तो अगर आपको मोल निकालना है O2 का, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, तो यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना? 0.25 मोल। तो यहाँ पे देखो 0.25 किसमें लिखा? फर्स्ट वाले में। इसके बाद आते हैं डी पे, कि डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप देखें 96 ग्राम जो है O2 है, तो 96 ग्राम O2 में कितना मोल्स हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो है आपको इसका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 32 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 मोल। तो बेटे इसमें 3 मोल आ जाएगा, तो यहाँ इसका कौन सा हो जाएगा? आपका डी का फिफ्थ हो जाएगा। अब आता है ई की बात करते हैं, कि 1 मोल आपने किसी का भी लिया तो उसमें कितनी एंटिटीज होंगी? एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ, इसका कौन सा हो जाएगा? 4। तो इसके रिलेटिव आप देखो कि कौन सा जो है इसमें परफेक्टली मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट ऑप्शन है वो परफेक्टली क्या मैच कर रहा है, तो
आपको सारे आंसर मिल गए राइट। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद अब जो है हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एवरेज मास या एवरेज वेट। ठीक है, तो एवरेज वेट और मास ऑफ एटम। तो एवरेज वेट और मास ऑफ एटम की जरूरत क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं? तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस है, लगभग हर एक एलिमेंट जो है वो किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइसोटोप्स में। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में जब आप उस एलिमेंट्स के मास को रिफ्लेक्ट करोगे या कहीं पे यूज करोगे तो जनरली आपको एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। और एवरेज की जो है फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ सकती है कभी भी जो है। तो एवरेज कैसे लेंगे, तो एवरेज का जो मैथमेटिकल टर्म है उसी के हिसाब से एवरेज लिया जाएगा। ठीक है, तो एवरेज आपको वेट निकालना है बेटे, तो एवरेज वेट के लिए जो है आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो एवरेज वेट आपका बराबर क्या हो जाएगा, तो वेट सम ऑफ वेट ऑफ, ठीक है, तो इसमें लिखना है सम ऑफ वेट ऑफ आइसोटॉप्स, कि जितने भी आपके आइसोटॉप्स हैं उनका, तो सम ऑफ वेट ऑफ आइसोटॉप्स, तो जितने भी आइसोटॉप्स हैं सबका जो है सम करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, तो कितने आइसोटॉप्स हैं उससे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये निकालना होगा। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में जो फर्स्ट लिखा है इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि यहां पे आपको परसेंटेज अवेंडेंस दिया होता है। तो ये जो परसेंटेज अवेंडेंस दिया होता है इट इज रिलेटिव। ये क्या होगा, ये रिलेटिव होगा। तो रिलेटिव का मतलब ये है कि यहां पे आपको सम जब निकालोगे तो ऐसे नहीं कि सीधे निकाल देना है सम, इसके लिए आपको पहले परसेंटेज अवेंडेंस पे ध्यान देना होगा। तो परसेंटेज अवेंडेंस का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये फॉर्मूला भी जो है कैसे यूज करना है ये आपको पता चल जाए। जैसे मान लेते हैं कि हम जो है बोरोन की बात करते हैं, ठीक है, तो बोरोन जो है इसके पास दो आइसोटोप्स है, तो बोरोन है टू आइसोटोप्स। अब इन दो आइसोटोप्स में एक आपका है B10 और एक है B11, ओके, तो इसका जो परसेंटेज दिया है ये आपको दिया है 10% और इसका परसेंटेज दिया है 90%। ठीक है, तो ये रिलेटिव परसेंटेज अवेंडेंस है। अब देखो इसका मतलब ये है कि अगर आप नेचर में सर्च करने जाओगे तो नेचर में आपको 90% किस टाइप का मिलेगा, B11 टाइप का, और 10% जो है किस टाइप का मिलेगा, 10% का। अब इसको मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो अगर आपको 100 एटम बोरोन के मिले तो 100 में से 90 किसके होंगे, 11 के, और 10 किसके होंगे, 10 वाले के। ठीक है, इन दोनों आइसोटोप का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है। ये मास परसेंटेज नहीं है और ये रिलेटिव अवेंडेंस है, मतलब कि ये अर्थ क्रस्ट में इनकी परसेंटेज को शो नहीं कर रहा है, इनका जो है एटमोस्फेयर में परसेंटेज को नहीं शो कर रहा है, ये आपस में रिलेटिवली परसेंटेज शो कर रहा है। कि अगर आप बोरोन को सर्च करने जाओगे तो 90% बोरोन किस टाइप का मिलेगा, 11 टाइप का, और 10% जो है किस टाइप का मिलेगा, B10 टाइप का। ओके, तो 100 एटम में से 90 इसका होगा, 10 इसका होगा। तो इसमें जो है अगर आपने 100 एटम लिया है, इफ यू हैव 100 एटम्स ऑफ बोरोन, तो बेटे इसमें अगर आपने बोरोन के 100 एटम लिए हैं तो इस 100 एटम में आप क्या लिखोगे, तो 100 में लिखोगे कि आपका जो है 10 जो है किसका होगा, तो 10 एटम्स ऑफ B10, और बाकी 90 एटम्स जो है आपका किसका हो जाएगा, तो 90 एटम्स ऑफ B11। अब एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए आपको इनको सारे आइसोटोप्स की जो एटम है इनका जो है मास निकालना पड़ेगा। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों, तो टोटल मास ऑफ, क्या टोटल मास या वेट जो है आपका 100 एटम्स का कितना हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू 10 × 10, क्योंकि 10 का 10 है और रिमेनिंग 90 का कितना है, 11। तो इसको जोड़ोगे तो ये आपका हो गया 100 और ये आपका कितना हो गया, 9900। ओके, इनको ऐड करोगे तो इससे जो है आपका कितना आएगा, 1090।
तो एवरेज जब आप निकालोगे बेटे, तो एवरेज वेट के लिए टोटल मास जितना आइसोटोप्स थे उसको जितने थे एटम उससे डिवाइड किया, तो ये कितना आ रहा है 10.90। तो ये आपका एवरेज वेट हो गया किसका, बोरोन का। ओके, तो आपको इसमें ध्यान रखना कि परसेंटेज के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से कंसीडर कर लेना है कि 100 एटम है उसमें परसेंटेज आपको पता चल जाएगा कि किसके कितने हैं। फिर उसके बाद आप 100 का जो है वेट निकाल लो और एवरेज के लिए 100 से डिवाइड कर दो। अब इसका उल्टा भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपको एवरेज दिया हो और किसी का परसेंटेज पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन से इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो जैसे आपसे पूछा जा रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि ये एक सवाल जैसे मैंने आपको दिया और इसको जैसे आपको सॉल्व करना है कि एक्स के 3 आइसोटॉप्स हैं, तो इसमें जैसे आपको दिया है X20 है, X21 है और X22 है बेटे। तो X20 का परसेंटेज कितना दिया है, 90%। इसका आपको गिवन नहीं है, तो इसका मान लो X है, तो रिमेनिंग 90 के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, 10। तो 10 में से X परसेंट इसका हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 - X%, राइट। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम इसके रिलेटिव एवरेज निकालते हैं बेटे, तो एवरेज के लिए पहले हम टोटल मास निकालें। तो टोटल मास ऑफ 100 एटम्स, ठीक है, सेम प्रोसीजर से, तो हो जाएगा आपका 90 × 20, राइट, फॉर द फर्स्ट, देन 21 × X फॉर द नेक्स्ट, एंड फॉर द नेक्स्ट 22 × 10 - X। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 1800, ये हो गया 21X, ये हो गया 220 और -22X। सिंप्लीफाई किए बच्चों तो इसमें आ रहा आपका 2020 -X आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे एवरेज जो आपका आएगा, तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस टोटल मास को डिवाइड करना होगा किससे, 100 से। अब क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है कि एवरेज कितना है, 20.18। तब इसको सिंपलीफाई किए बच्चों तो इसमें आया 2020 - X और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया 2018। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो एक्स आपने किसको कंसीडर किया था, 21 वाले को, तो इसने आपसे क्या पूछा है, 21 का ही परसेंटेज अवेडेंस पूछा है, तो कितना हो जाएगा, ये 2% हो जाएगा। तो इसका आंसर मिल गया। तो ये था हमारा एवरेज एटॉमिक वेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे हम किसको, रिलेटिव डेंसिटीज को, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।